सो गुड मॉर्निंग गाइस, आज फर्स्ट डे है नवरात्रि का, तो आज मैं व्लॉग बना रही हूँ। जैसे आप लोगों ने कहा था मैं व्लॉग शूट करूँ नवरात्रि के लिए, तो मैंने कर लिया। अभी मैंने शावर ले लिया, एज यू कैन सी मेरे हेयर गीले हैं इस टाइम पर। अब मैं पूजा करने जा रही हूँ, तो सबसे पहले हम यू नो तैयारी करते हैं, यू नो हम तैयारी करते हैं, यानी जो चौकी होती है ना उसकी तैयारी कर रहे हैं, चौकी बिठाते हैं माता के लिए, तो वो हम बनाने जा रहे हैं और वो अभी आपको दिखाऊंगी। पर उससे पहले मैं आपको मॉर्निंग का दिखा रही हूँ, गार्डन में कितने प्यारे प्यारे फ्लावर्स हैं ऊपर, और बहुत सारे यू नो रैंडम दिखाऊंगी आपको कि कितने प्यारे से खिले हुए हैं वो फूल, वो भी दिखाती हूँ। तो आज पूरे दिन का व्लॉग होगा इस वीडियो में। अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट में बताइएगा कि आपको इस व्लॉग में क्या अच्छा लगा। ओके, लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। सो मैं अपने फेवरेट स्लीपर्स में हूँ अगेन, एंड वेलकम टू माय किचन गार्डन जो कि हमारे टेरेस पर है। और आज मैं बैक साइड ऑफ टेरेस पर लेकर आई हूँ आपको, और यहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स है बिकॉज इट्स स्प्रिंग एंड नवरात्रि भी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 5 पेटल्स वाले फ्लावर हैं, ये पिंक कलर के ही होते हैं मोस्टली, और ये स्प्रिंग में और समर्स में पूरे थ्रू आउट द सीज़न रहते हैं। एंड ये है मैरीगोल्ड जो कि हम गेंदा का फूल बोलते हैं, एंड यू कैन सी ये कितने बड़े बड़े हैं। आई एम सो हैप्पी गाइज, ये घर पर ही इतने बड़े बड़े उग गए हैं, और मोस्टली घर पे छोटे छोटे उगते हैं, बट इस टाइम दिस इज़ सो ह्यूज, यू कैन सी ये इतने बड़े हैं गाइस कि इनका वेट भी बहुत ज़्यादा हो गया है, और ये खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं, सी एकदम से जाके गिर जा रहे हैं। उस टाइम मैं थोड़ा सा डर गई थी कि क्या हो रहा है पेड़ के साथ, देन आई रियलाइज्ड कि इसका वेट बहुत ज़्यादा हो गया है एंड इसलिए गिर रहा है। तो मैं चेक कर रही थी कौन कौन से फ्लावर हैं, क्योंकि फिर मुझे इनका कुछ इंतज़ाम करना होगा बिकॉज़ ये दूसरे फ्लावर को इरीटेट ना करें। एंड ये सारे न्यू अभी निकलने वाले हैं गेंदे के फूल एज़ यू कैन सी, और बहुत सारे गाइस बहुत सारे। और ये जो लंबे लंबे लीफ हैं, आप बता सकते हो ये कौन सा प्लांट है? और हमारे गेंदे के फूल जो हैं वो येलो है, ऑरेंज है, इन दो कलर में मोस्टली उगे हैं। एंड ये हमारे बिल्कुल ऑर्गेनिक उगे हुए हैं गेंदे, इनके अंदर कोई केमिकल वगैरह नहीं डाला गया है। एंड येस गाइज, रोज़, ये हमारा प्यारा सा रोज़ है जो कि मैं हमेशा आपको दिखाती हूँ, ये पूरा रोज़ का पेड़ है, और एक और यहाँ पर रोज़ निकला हुआ है। एंड ये हमारा स्लोमो में मैंने लिया था गेंदे का फूल, ये बहुत प्रिटी लग रहा था इस लाइट में, एंड इसका मैं डाउनवर्ड शूट कर रही थी, बहुत प्रिटी लग रहे थे, इट्स लाइक कि मैं किसी यू नो किचन गार्डन में बिल्कुल अंदर चली गई हूँ छोटी सी बनकर। बहुत अच्छा लग रहा था मुझे शूट करके, तो मैं ये व्यू आपको डेफिनेटली दिखाना चाहती हूँ। आजकल का माहौल जिस तरीके से हो गया है, मैं थोड़ा सा पॉजिटिव वाइब्स देने की कोशिश कर रही हूँ बस इस वीडियो के ज़रिए। तो अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक पसंद आई है तो जल्दी से लाइक करिएगा। एंड येस गाइस, मैं आपको एक क्वेश्चन भी दे रही हूँ, ये जो प्लांट मैं अभी आपको दिखा रही हूँ ये बताइए ये किस चीज़ का प्लांट है, ये जो लंबे लंबे आपको लीफ दिख रहे हैं। मैं इनके अभी फ्लावर भी आपको दिखाऊँगी ताकि आप इन्हें पहचान सको। एंड येस गाइस, ये मैंने एक और शूट किया है नीचे से, और ये जो लीफ मैं आपको दिखा रही थी ये मैं आपको बता दे रही हूँ, ये रिक्वच के पेड़ का था, और इसे हम यू नो डिश बनाते हैं यूपी साइड में, इसे खाते हैं डिश बनाकर। एंड ये मेरी सिस्टर है ये जो कोशिश कर रही थी पकड़ने की। हाँ, तो मैं इस पेड़ की बात कर रही थी जिसके फ्लावर मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, ये वाइट कलर के इनके हैं फ्लावर। अगेन मैं अभी इसका एक और साइड में दिखाऊंगी, बहुत सारे फ्लावर निकले हुए हैं, तो वो मुझे बताना आपकी ये प्लांट कौन सा है, इसका नेम क्या है मुझे जल्दी बताइएगा, इसका बहुत सारा यू नो ब्रेकफास्ट में यूज़ होता है। अब यहाँ पर है एक और रोज़, यस गाइस मैं इस फ्लावर की बात कर रही थी, ये देखिए फ्लावर, एंड आवाज़ कितनी प्यारी लग रही है ना गाइस, ऐसा लग रहा है मैं विलेज में हूँ। जब से लॉकडाउन हुआ है बिल्कुल पॉल्यूशन कम हो चुका है और आवाज़ नहीं आती इतनी ज़्यादा, इस लाइक कि हम विलेज में हैं, और बहुत प्यारी प्यारी आवाज़ आती है पशु पक्षियों की, मतलब सीरियसली ऐसा लगता है फॉरेस्ट में है। एंड आई होप आपको ये वीडियो लग रहा होगा कि हम फॉरेस्ट में आ चुके हैं, तो मैं इस तरीके से शूट भी कर रही थी। एंड ये है गुलहड़ का फूल जो हमारी गॉडेस को चढ़ता है, काली माता जिसे हम बोलते हैं,
तो उनको ये फेवरेट फ्लावर है उनका, तो हम ये भी उगाते हैं। ये हमारे बैक साइड का हो गया टेरेस का, तो ये किचन गार्डन यहाँ पर है और मैं अभी आपको आगे ले जा रही हूँ। यहाँ भी एक बहुत स्पेशल चीज़ है और वो है एक और स्पेशल प्लांट जो कि है ये वाला, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे आपको दिख गए होंगे इसके फ्रूट्स लग गए हैं और ये फ्रूट्स एक्चुअली हम इसे वेजिटेबल की तरह खाते हैं। एंड यस गाइस, ये टमेटो है, ये टमाटर का पेड़ है जिसमें इतने सारे लगे हैं। एंड ये एक और प्लांट, ये थोड़े डेकोरेशन टाइप में यूज़ होते हैं, तो इसको हमने फ्रंट साइड में रखा है अपने हाउस के टेरेस के फ्रंट साइड में। और इनकी थोड़ी जैसे बोलते हैं हम लताएँ उस टाइप की भी निकलती हैं। एंड ये आपको मैं दिखा रही हूँ और कारीगरी जो मेरी मम्मी ने की है, उन्होंने हमारे जूसर में या फिर गैलेंडर जैसे हम बोलते हैं मिक्सर का एक पार्ट, उसके अंदर भी पेड़ उगा रखे हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड टैलेंट। और मैं एक और दिखा रही हूँ आपको, यहाँ पर एक सैपलेंट इसे छोटा सा सैपल बोलेंगे, प्लांट बोलेंगे, क्योंकि छोटा सा बड़ा था मुझे अच्छा लग रहा था इसको देखकर। ये भी अगर आप लगाओगे तो पेड़ उग जाएगा। तो अब हम जा रहे हैं नीचे जहाँ पर हमारी माता की चौकी लगी है, जहाँ पर हम पूजा करेंगे। तो वो हमारा नीचे वाला रूम है फ्लोर का, तो मैं सीढ़ियों से नीचे जा रही हूँ। ये हमारी चौकी लग गई है माता की, अब हम इसे डेकोरेट कर रहे हैं। यू कैन सी इसमें मैंने ये लगाया था शीट्स और फिर लाइट्स लगाए थे। ये नारियल है, इन्हें हम चढ़ाएंगे कलश के ऊपर। और मम्मी यहाँ पर हमारी खेतरी बो रही है, इसको शुभ मानते हैं। ये सिंबल होता है हमारे नवरात्रि में सुख समृद्धि का, तो हम खेतरी भी बोते हैं। और यहाँ पर जौ के बीज डाले जाते हैं और ये बहुत ब्यूटीफुल से प्लांट्स निकलते हैं, तो इनकी भी हम पूजा करते हैं साथ में। तो अब हम पूजा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पर मेरी मम्मी कलावा बांध रही है मुझे, ये भी हमारा प्योर सिंबल होता है रक्षा कवच हम जिसे बोलते हैं, वो भी है ये। और यहाँ पर हमारी पूजा फिनिश हो गई है, आरती वगैरह हमने कर ली, आरती की थाल जल रही थी। एंड ये है हमारी माता, हम नौ रूप में देवी को पूजते हैं, नौ रूपी देवी है हमारी, उनको पूजा जाता है। और हमारे घर में अखंड ज्योत जलती है पूरे नौ दिन और उनकी पूजा की जाती है, सेवा की जाती है। अब मैं आपको किचन में लेके आई हूँ। किचन में अब मैं चाय बनाने जा रही हूँ सबके लिए, क्योंकि आज सबका फास्ट है। आज लंच डिनर फास्ट बहुत अलग तरीके का होगा, तो हम ब्रेकफास्ट में चाय लेते हैं। और मैं आजकल चीनी नहीं खाती हूँ क्योंकि मैंने अपना फैट लॉस जर्नी स्टार्ट कर दिया है, चीनी मैंने बिल्कुल स्किप कर दिया है, रिफाइंड शुगर। सो गाइज, ये है मेरा ब्रेकफास्ट, सम आलू चिप्स एंड टी। वैसे मैं सुबह ब्लैक टी लेती हूँ, बट आज मेरा फास्ट है तो मुझे थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन थोड़ा थोड़ा चाहिए ताकि मेरी एनर्जी लेवल मेंटेन रहे। तो यहाँ पर मैं आपको नेल पेंट दिखा रही हूँ जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लगा लिया था, एंड ये वाइन कलर का है, आजकल वाइन कलर मेरा फेवरेट है। पागल, चलो सिर से बचा। सबके सब यहाँ म्यूजिशियंस बने हैं और हम देखो ये देखो
फाइव 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 एंड गाइस मेरा फेस कुछ इस तरीके का बन रहा है क्योंकि मैं बिल्कुल ऐसा लग रहा है कुछ नहीं सीख रही हूँ, सब सीख रहे हैं, कोई गिटार सीख रहा है, कोई पियानो सीख रहा है और मैं यहाँ कर्लिंग कर रही हूँ अपने हेयर को। एंड यस गाइस आज मैंने मिनिसो के हेयर कलर्स यूज़ किए हैं। इनफैक्ट आज मैं बस ट्राई कर रही हूँ कि किस तरीके का कर्ल आ रहा है मेरे हेयर पे, बिकॉज मेरे हेयर का टेक्सचर बहुत थिक है। सो मैं दो तीन बार इसे ट्राई करना चाहती हूँ एंड फिर आपको बताऊँगी कि ये किस तरीके का है। तो जब तक मैं यहाँ पर बैठी थी मैंने थोड़ा बहुत पियानो सीखा, थोड़ा बहुत गिटार सीखा और मुझे कुछ नहीं आया बजाना। तो या ओके, अब लंच टाइम हो गया है, इट्स अराउंड 2 PM और मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है अपना लंच। इसके अंदर मैंने जो आज बनाए हैं ये है आलू के नगेट्स बनाए थे और थोड़े थोड़े बड़े चिप्स लिए थे आलू के, बड़े पीसेस। और यहाँ पर मैंने कर्ड लिया है और इसके अंदर जैगरी मिलाई है इसलिए इसका कलर वाइट नहीं है। और प्लेट पे बिल्कुल प्लेन आपको दही दिख जाएगा जो कि वाइट कलर का है। तो दही में भी मैं रिफाइंड शुगर नहीं यूज़ कर रही हूँ, मैंने जैगरी डाला था। सो गाइस अभी मैंने लंच कर लिया है जो मैंने आपको भी दिखाया था। हमने जो भी लंच किया उसके बाद मैं शूट करने का सोच रही हूँ एंड शूट करने के लिए मैंने सुबह पोल डाला था स्प्रिंग रोमांटिक लुक के लिए, बिकॉज आई डोंट नो व्हाई मैंने बहुत दिन से मेकअप नहीं किया इसलिए, या फिर स्प्रिंग आ रहा है एंड आई थॉट कि कोई रोमांटिक मेकअप लुक करना चाहिए। तो उसके लिए मैं सोच रही थी कि मैं मेकअप लुक करती हूँ। अभी काफ़ी लॉकडाउन चल रहा है एंड कल ही रात को न्यूज़ आई थी कि 21 डेज़ का लॉकडाउन हुआ। तो 21 डेज़ तक अगर हम कुछ न्यू नहीं करेंगे तो सच में बोर हो जाएंगे ना। तो हम मेकअप करते हैं और मेकअप सीखते हैं, तो मैं भी सोच रही थी कुछ नया करते हैं, कुछ सीखते हैं और मैं आपको भी दिखाऊं कि कैसा हो रहा है वो। तो अब सबसे बड़ी खास बात ये है ना कि जब मैं ड्रेस वेयर कर लेती हूँ और उसके बाद मुसीबत आती है मुझे ईयरिंग नेकलेस वगैरह चूज़ करने की, बिकॉज मेरे पास बहुत सारा है डब्बा भर के, ये उठता भी नहीं है, ये इतना भारी है सी। मैंने इसको नायका के डब्बे में रखा है बिकॉज मैंने इसे रखा था प्लास्टिक के बॉक्स में, बट मेरा घर वाइट वॉश हो रहा था तो मैं आपको दिखा रही हूँ सी, पूरा कलर चेंज हुआ है मेरे रूम का। तो मैंने इनको स्टोर कर दिया था ऐसे पैकेट्स में डाल दिए थे, तो मैं उस टाइम रख नहीं पाई थी। जो ऑलरेडी पैकेट्स में है या बॉक्सेस में है वो तो ठीक है, लेकिन जो निकले हुए हैं बाहर वो बहुत गंदी तरीके से मेस्ड अप है। लेट मी शो यू। तो ये है मेरा खजाना, सी कितना ज़्यादा मेस्ड अप है, सी बहुत ज़्यादा मेस्ड अप है ये सब ना। मैं अगर जितना अंदर हाथ डालूँगी इसमें उतना सामान निकलेगा, तो मैं इसलिए सोच रही हूँ कि इसको ज़्यादा ना छेड़ते हुए मैं कुछ ऐसा ईयरिंग निकाल लूँ जो सूट करे मेरी ड्रेस पर और रोमांटिक मेकअप के लिए। इसमें सारा मिक्स है, वेस्टर्न मिक्स है और वेस्टर्न के साथ ट्रेडिशनल, एज यू कैन सी ये वाला ईयरिंग। ये भी मैंने सोचा था एक मेकअप लुक में या फिर ट्रेडिशनल वगैरह पहनूंगी तब मैं लूँगी, ये ईयर कफ की तरह होता है। तो मैं किसी दिन बैठ के दिखाऊंगी सी, ये तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है इस टाइम पर, बिकॉज़ ये मैंने जब परचेज़ किया था तो मैंने बहुत जद्दोजहद के साथ इसको ख़रीदा था एंड इसकी इतनी बुरी हालत कर दी है मैंने सी। बहुत प्रिटी है ये नेक पीस, ये भी मेरा फेवरेट है, सब उलझा पड़ा है इसके अंदर। और ये देखो ये मैंने रीसेंट अभी लिए थे, ये बहुत सुंदर है ना, आई थिंक ये मुझे सूट करेगा, इस तरीके से सूट करेगा। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ यार, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई हूँ। सो ये मेरे हेयर पिंस हैं जो मैंने नहीं यूज़ किए और रखे रखे ख़राब हो जाते हैं। मेरी मॉम मुझे बचपन से डांटती है और मेरी आदत अभी तक सही नहीं हुई है कि मैं चीज़ों को ख़रीद लेती हूँ और फिर उसे यूज़ किए ही बिना ख़राब करते हुए फेंक देती हूँ। यूज़ होते हैं और ख़राब होती हैं चीज़ें तो समझ में आता है, लेकिन ये चीज़ें मैंने कभी पहनी ही नहीं है, बस परचेज़ करके रखी हैं, सालों साल पड़ी हुई है मेरे पास। एज यू कैन सी ये वाला ख़राब हो गया था, ये मैंने ऑफिस में एक दिन वेयर कर लिया था दिवाली सेलिब्रेशन में, उसके बाद ये टूट गया अपने आप ही फर्स्ट डे। अरे यार ये फोकस क्यों ख़राब हो रहा है, सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज़,
मेरा फोकस जा रहा है और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इस टाइम पर गाइस। ओके तो मैंने कुछ सेटिंग चेंज करी अपने कैमरे की एंड यू कूल ना, ये बहुत क्यूट ड्रॉपलेट्स वाले इयरिंग हैं जो मैंने यू नो एक ही साथ बहुत सारे कलर के ले लिए थे। ये ग्रेइश में है, ये ग्रीन में है, एक और वाइट में होगा, वो अंदर कहीं लुढ़का हुआ मिल जाएगा हमें अगर मैं ढूंढूंगी तो, जो कि मैं नहीं ढूंढना चाहती इस टाइम, बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मैं ऐसी बिल्कुल मेस्ड अप चीज़ों में जाऊँ। सी ये भी मेरा हेयर का लिया था मैंने एक्सेसरी, आपने मुझे देखा होगा आजकल मैं हेयर पिन लगाती हूँ अपने हेयर में मेकअप ट्यूटोरियल या स्किन केयर करते टाइम, बहुत क्यूट है राइट। और क्या लें क्या लें, मैं थोड़ा ऑरेंजिश लुक रखना चाहती हूँ राइट, ऑरेंजिश तो उसको सूट करता हुआ कोई कलर ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा है ना, कुछ और ढूंढते हैं कुछ और ढूंढते हैं। गाइस 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 ओह माय गॉड ये क्या है, ये देखो गाइस नया खजाना कितना प्रिटी है ना, आई थिंक फोकस फोकस यस ये कितना प्रिटी लग रहा है। मेरी मॉम मुझे हमेशा डांटती है ऐसी चीज़ों को परचेज करने के लिए बिकॉज ये यू नो रॉयल नहीं लगता है, बहुत ही लोकल लगता है उनको तो मेरा रिंग सी है ना प्रिटी। सो गाइस मैंने डिसाइड किया है ये वाला इयररिंग जो कि टूट चुका है और इसके ना ये दो पार्ट्स निकल गए हैं तो हम इसको जोड़ेंगे और ये कुछ इस तरीके का दिखना चाहिए लगा हुआ इयररिंग में। सो गाइज मैंने मेकअप ट्यूटोरियल बना लिया है एंड बहुत ज़्यादा कचड़ा मच चुका है बिकॉज मैंने अपने आई लैशेज अभी उतार लिया एंड आई एम जस्ट गोइंग टू वॉश दिस मेकअप ऑफ। मुझे बहुत बुरा लगता है यू नो मेकअप को रिमूव करना बट गाइज मेरे कर्ल्स बहुत अच्छे आए थे यू नो अब थोड़े से लूज हो गए हैं शूटिंग के बाद बट इट्स काइंड ऑफ नाइस कर्ल्स सी, बहुत अच्छे लगे थे कर्ल्स एंड या एंड दिस इज़ द इयरिंग जो मैंने दिखाया था, मैंने जोड़ लिया था इसे फाइनली एंड आई हैव अप्लाइड ऑन सो या। ओके अब मैं जा रही हूँ फेस को वॉश करने एंड देन वी विल सी कि हम पूजा कैसे करते हैं, डिनर वगैरह क्या बनेगा आज वो भी आपको मैं दिखाऊंगी इस व्लॉग में। सो या थैंक यू अगर आप यहाँ तक देख रहे हो मेरा व्लॉग तो ओके चलो बाय। यस गाइज इट्स 8 PM अब है डिनर की बारी, यम्मी यम्मी बोले मेरी टमी वो वाला हाल हो गया मेरा, सुबह से कुछ नहीं खाया था सिर्फ लंच में थोड़ा बहुत आलू खाया था एंड ब्रेकफास्ट में भी, तो आज मैं खा रही हूँ आलू के पकोड़े हैं जो कि यू नो कवर हैं कुट्टू के आटे से और इन्हें तवे पर फ्राई किया गया है। ये है गोभी और आलू की सब्ज़ी और ये है कुट्टू के आटे का पकोड़े बता दिया मैंने आपको, और ये व्रत का चावल है और एक नींबू है हाफ पीस में एंड थोड़ा सा चटनी ग्रीन चटनी। तो दिस इज़ माय डिनर और अब मैं आपको इस वीडियो को फिनिश करते करते आपको बता दे रही हूँ मैंने पियानो में सॉरी गिटार में क्या सीखा, तो सुनते हैं थोड़ा बहुत ही आता है गाइस सो डोंट लाफ ओके। सो गाइज़ अब है सोने का टाइम, अब मुझे जाना है सोने के लिए और मैं ये व्लॉग भी यहाँ पर फिनिश कर रही हूँ। ये वन डे नवरात्रि का मेरे साथ आपको कैसा लगा, ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा एंड लाइक करिएगा इस वीडियो को, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स में ताकि वो भी थोड़ी पॉजिटिव एनर्जी ले पाएँ इस वीडियो के ज़रिए जो मैंने कोशिश की है। एंड थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू गाइज़ इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर बाय लव।